हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का टोटल एग्जाम ऐप पे। डियर मैं रंजन सर आपके लिए लेकर आया हूँ एसए की क्लास। काफी दिनों से मुझे बताया जा रहा था कि सर एसए की क्लास लेना है। थोड़ा मेरी हेल्थ का कोई इशू था और कुछ थोड़ी क्लासेस की इशू थी जिस कारण से क्लास मैं नहीं ले पा रहा था डियर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जो भी मांग की थी कि जिस तरह की एसए की या जो भी एसए की मांग की थी वो एसए लेकर आज मैं हाजिर हूँ। डियर ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई आपको इशू है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं एंड बात करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं help@totalexam.in पे। और कोर्स या किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डियर आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस और आप इस ऐप के पास पहुंच जाएंगे। डियर इसे इंस्टॉल कर लेना है और नॉर्मल प्रोसेस है। आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, अदरवाइज आप लॉग इन कर सकते हैं। और डियर ये इंटरफेस है आपका अंदर का कि किस तरीके से आपके लाइव क्लासेस वगैरह होंगी। बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी ऐप पे स्टार्ट होने वाली है। तो डियर फार्मर प्रोटेस्ट, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट की। क्या है, जैसे आप सभी को पता होगा फार्मर प्रोटेस्ट, और सिंस मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं अच्छे से जान रहा हूं। मैं गया भी हूं, ठीक है, प्रोटेस्ट करने नहीं गए बट देखने गए थे कि किस तरीके से वहां पे जो किसान लोग हैं किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डियर लेट्स स्टार्ट एंड हैव सम इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट हैज डिस्क्राइब दिस फार्म्स बिल एज गिविंग न्यू फ्रीडम टू फार्मर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। डियर कहा जा रहा है कि जो बिल आया है, जो नया फार्म बिल्स आया है, इसको गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है कि ये आजादी के बाद फार्मर्स के लिए सबसे बेहतर बिल है और ये एक नई आजादी है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद एक नई आजादी है जो नया वाला फार्म बिल्स हमने लाया है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अगर बात करें गवर्नमेंट के हिसाब से, द फार्मर्स बिल बी इम्पावर्ड बाई दीज बिल्स। मतलब वो लोग को सशक्तिकरण किया जाएगा, उन लोग को नई शक्तियां मिलेगी इस बिल के द्वारा। एंड विल बी एबल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग ट्रेडर्स। और ये जो बिल है इसके कारण से ये लोग बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर पाएंगे मल्टीनेशनल्स कंपनीज के साथ, बिग ट्रेडर्स के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई कि ये इंट्रोडक्शन है कि ये बिल्स है क्या, गवर्नमेंट क्या बता रही किसानों को कि किस तरीके से ये काम करेगा। इट मीन्स ये इम्पावर करेगा किसानों को और साथ ही साथ उनको ये योग्य बनाएगा कि वो बड़े बड़े एग्रीमेंट मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, बिग ट्रेडर्स के साथ कर सके। अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल्स 2020, अकॉर्डिंग टू द न्यू फार्म बिल 2020, द फार्मर कैन सेल हिज क्रॉप इन एनी मार्केट एट द डिजायर्ड प्राइस। डिजायर्ड प्राइस का मतलब ध्यान रखेंगे डियर, मतलब जो मनचाहा प्राइस, जो आप चाहते हो उस प्राइस पे। गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो 2020 हमारा बिल है, न्यू फार्म बिल है, इसके अनुसार फार्मर कैन सेल हिज क्रॉप, अपनी अनाज को एनी मार्केट एट द डिजायर्ड प्राइस, मतलब किसी भी मार्केट में अपने मन मुताबिक जो भी प्राइस चाहे उस प्राइस पे वो बिल्स बेच सकते हैं। विद दिस, इसके साथ फार्मर्स विल गेट बेटर ऑप्शंस टू सेल दियर प्रोड्यूस। और इसके साथ साथ उनको और अच्छा जगह मिलेगा और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे अपने अनाज को बेचने के लिए। अर्लियर बोला जा रहा है, पहले मिडल मैन यूज टू अक्वायर अ मेजर पार्ट ऑफ द फार्मर्स इनकम। कहा जा रहा है कि पहले ये होता था कि जो मिडल मैन होते थे, जिन्हें लोग बिचौलिया कहते हैं, जो मिडल मैन होते थे वो सॉरी ये थोड़ा सा नॉइज आ रहा है डियर। फार्मर्स के जो भी इनकम होते थे इसमें मिडल मैन बहुत बड़े हिस्सा लेके चले जाते थे। मतलब जो भी फार्मर्स का इनकम होता था उनका बहुत बड़ा एक हिस्सा मिडल मैन को भी चला जाता था, क्योंकि आपके अनाज को बिकवाते थे, जब वो बिकता था आप उनको शेयर देते थे। बट नाउ फार्मर्स विल गेट फ्रीडम फ्रॉम देम। अब कह रहा कि अब फार्मर्स को ये जो मिडल मैन हुआ करते थे इनसे आजादी मिल जाएगी। द न्यू सिस्टम विल एलिमिनेट द कंपल्सन ऑफ द फार्मर्स टू गो टू मंडी एंड सेल देयर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स टू द लाइसेंस ट्रेडर्स एंड नाउ द फार्मर विल बी द ओनर ऑफ हिज बिल। अब कहा जा रहा कि द न्यू सिस्टम विल एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब हटाना, खत्म करना। जो नया सिस्टम है वो एलिमिनेट करेगा द कंपल्सन ऑफ द फार्मर्स, मतलब जो फार्मर्स की मजबूरी थी उसको ये खत्म कर देगा। क्या मजबूरी थी, टू गो टू मंडी, कहाँ जाना होता था उनको अपने अनाज को बेचने के लिए, मंडी जाना पड़ता था, एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते थे बेचने के लिए।
टू द लाइसेंस ट्रेडर्स, और बेचते किनके थे, वो लाइसेंस ट्रेडर्स को बेचते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो नया सिस्टम है ये फार्मर्स को लाइसेंस ट्रेडर्स के पास अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मंडी जाने की जो मजबूरी थी, मंडी जाने का जो कंपल्सन था, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। एंड नाउ द फार्मर विल बी द ऑनर ऑफ हिज विल। अब यहां पर विल का मतलब होगा डियर इच्छा। एक सेकंड इच्छा। अब फार्मर अपने इच्छा के मालिक हो जाएंगे, उनकी जैसी मर्जी, जैसे वो चाहें वैसे वो कर सकते हैं। ओके, व्हाई आर द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्मर बिल 2020। अब ये हम थोड़ा सा लिखेंगे वहां पे कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उन लोगों को क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा समझा रही है, बट क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद सरकार समझा नहीं पा रही या गलत है या किसानों का, ये तो अपना पॉलिटिकल इशू है, वो लोग समझेंगे। जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन ऐसे कि हम लिखेंगे क्या। इन फैक्ट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ये एक एक्ट का नाम हो गया डियर 2020। स्टेट दैट्स, स्टेट्स का मतलब डियर कहना, कहना या बताना। कह रहा कि ये जो 2020 आपका बिल है ये कहता है फार्मर कैन नाउ सेल हिज प्रोड्यूस टू एनी वन आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। जो एपीएमसी मंडीज होती है उसके बाहर फार्मर्स अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं। देयर विल बी नो चार्ज ऑन दिस, कहा जा रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। वाइल एपीएमसी मंडीज हैव डिफरेंट मंडी चार्जेस इन डिफरेंट स्टेट्स ऑन द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और बोला कि जो एपीएमसी मंडीज होते हैं उनके अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग चार्जेस लगते हैं। ड्यू टू दिस द मिडल मैन एंड मार्केट ट्रेडर्स फियर दैट। अब कह रहा है कि इसी कारण द मिडल मैन एंड मार्केट ट्रेडर्स, जो बिचौलिए हैं एंड जो मार्केट ट्रेडर्स हैं, उनको डर लग रहा है कि दैट व्हेन देयर विल बी नो फी बिजनेस, नो फी। अब कहा जा रहा है कि अगर कोई फी नहीं होगा बिजनेस आउटसाइड द मार्केट, मतलब बाहर मार्केट करने का, नो वन विल वॉन्ट टू कम टू द मार्केट। अगर जैसे कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि हमको बाहर में, अब मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं इसे, अब कहा जा रहा है कि अगर बाहर कोई बेच रहा है उनको कोई वहां पे फी नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा, ठीक है। नो वन विल वॉन्ट टू कम टू मार्केट, कोई मार्केट तो आना नहीं चाहेगा। मार्केट का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे मंडी से है, ठीक है, मार्केट का मतलब मंडी। एंड द एपीएमसी सिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड। अब उनका कहना कि जब कोई आएगा नहीं तो ये जो एपीएमसी सिस्टम है खत्म हो जाएगा। द फेल्यूर ऑफ दिस मॉडल हैज बीन सीन इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब कहा जा रहा है कि एग्जांपल हम दे देंगे कि अगर ऐसा है तो क्या ऐसा कभी हुआ है, तो हाँ जी हुआ है, ये बिहार में हुआ है इस तरह की चीजें कि वहां पे एपीएमसी जो मॉडल है, जो सिस्टम है, वो यूज नहीं हुआ, वो फेल हो गया। इन 2006 द एपीएमसी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन बिहार। अब क्या कहा जा रहा है कि 2006 में एपीएमसी जो सिस्टम थी बिहार में वो खत्म हो गया। फार्मर्स आल्सो फियर्स। अब कह रहा है कि ऊपर तो मिडलमैन और मार्केट ट्रेडर्स फियर कर रहे थे, अब ये फार्मर्स लोग को भी डर है। आफ्टर द न्यू लॉ, मतलब नए जो नियम है उनके बाद, द गवर्नमेंट विल स्टॉप बाइंग क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका एमएसपी होता है। अब इनको लग रहा है कि यार जब हम कहीं भी बेच सकते हैं तो ये इनका एमएसपी का जो फॉर्मूला है, जो ये एमएसपी हमें देते हैं, और बहुत से हमारे जवान लोग किसान घर से होंगे तो उनको ये समझाने की जरूरत ज्यादा है नहीं, बट आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा मिल जाएगा तो आप थोड़े से बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको लिख पाएंगे। द गवर्नमेंट विल स्टॉप क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब उनको डर है कि यार जब हमें सभी जगह बेचने की आजादी मिल जाएगी तो शायद सरकार जो अनाज या जो भी चीजें खरीदती है एमएसपी पे, वो खरीदना बंद कर देगी। द कंसर्न इज बिकॉज, अब बोला जा रहा है कि ये कंसर्न आखिर है क्यों। There are no discussion in the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 in the context that purchases outside the market will not be below the MSP. अब उनका कहना है कि भाई जो MSP है, जो नया बिल है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जब हम बाहर बेचने जाएंगे तो वो MSP से कम दाम पे लेंगे या नहीं लेंगे, ये कहीं भी लिखा नहीं है। लिखा है purchase outside the market will not be below the MSP, ऐसा कहीं भी कोई भी context बिल में नहीं है। However, फिर भी द गवर्नमेंट रिजेक्टेड। अब गवर्नमेंट यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है बोथ दीज थिंग्स, दोनों चीजें, ठीक है, एंड सेड दैट द एपीएमसी एंड एमएसपी सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड। अब उनका कहना है कि भाई देखो नहीं लिखा है, मैं कोई इशू नहीं, हमने तो न्यूज देखे, क्योंकि इस पे ऐसे लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि हम आजकल न्यूज पेपर भी आप लोग कभी ना कभी पढ़ते जरूर होंगे। तो वो कह रहे सरकार ये जिद लगाए हुए कि हम भाई खत्म नहीं किए हैं, ठीक है, तो उनका कहना कि आपने लिखा क्यों नहीं। ये कहे लिखे ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जारी रहेगी। चलिए, द एजिटेटिंग फार्मर्स। एजिटेटिंग फार्मर्स का मतलब हो गया जो एजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, जो वहां पर क्या बोलते हैं,
जैसे दिल्ली बॉर्डर के पास आप आजकल देख रहे होंगे हर जगह कहीं ना कहीं, थोड़ा सा कोरोना से भी कम हुआ, अदरवाइज पहले तो पूरे लोग भरे हुए थे। ठीक है, जो प्रदर्शन करते हुए फार्मर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन और आल्सो एलिजिंग, अब कुछ द एजिटेटिंग फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो एलिजिंग, जो इनके संगठन है, कुछ लाइक नेता लोग हैं, ये भी एलिज लगा रहे हैं। एलिज का मतलब आरोप लगा रहे हैं कि सून आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ द न्यू लॉ, अगर ये जैसे ही लॉ हो जाती है इसके तुरंत बाद, द एग्रीकल्चर सेक्टर विल गो इन टू द हैंड्स ऑफ कारपोरेट हाउसेस विच विल हार्म द फार्मर्स। अब इनका कहना है कि अगर ये नया वाला कानून जो उन्होंने बनाया है अगर ये लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, हो जाता है, तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है आपका, ये बिल्कुल कॉरपोरेट हाउसेज के हाथ में चला जाएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथ में चला जाएगा और जो फार्मर्स को नुकसान पहुंचाएगा। इफ द फार्मर नॉट डज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब एक देखो समझाया जा रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, देन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होती है, ही कैन ओनली गो टू एसडीएम। ये नए वाले बिल में शायद लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप लोग समझते होंगे कि पहले हमने बता दिया कि हम जो भी आप अनाज उपजाएंगे वो मैं बाई कर लूंगा, अब कह रहा कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो जो किसान है वो सिर्फ एसडीएम पे जा सकते हैं, वेयर एज अर्लियर ही कुड गो टू कोर्ट। लेकिन पहले क्या था कि पहले वो कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब भी वो सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं। दिस राइट हैज आल्सो बीन टेकन अवे इन द बिल, ये जो कोर्ट जाने का राइट था, जो अधिकार था, यहां पर अधिकार होगा, ये जो कोर्ट जाने का अधिकार था ये भी उनसे छीन लिया गया है, नए बिल में ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। ही बिलीव्स दैट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर नॉट एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स टर्म रख दीजिएगा यहां पर, कॉन्ट्रैक्टर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, यहां पर कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब कहने का मतलब या तो बिग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो समझ सकते, ठीक है, जो किसान भाई हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो बड़े बड़े फॉर्मूले जो लिखे होते टर्म एंड कंडीशंस के साथ वो नहीं पढ़ सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन दैट देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, और ये बहुत बड़ी वजह होगी कि अगर हमने बड़े बड़े 10 पेज के आपको दे दिए टर्म एंड कंडीशन, आप और वो भी इंग्लिश में, बड़ी मुसीबत हो जाएगी किसान भाइयों के लिए कि पढ़ पाए, और ये एक रास्ता दे देगा उन लोग एक्सप्लाइट करने का, क्योंकि हम कुछ भी लिख देंगे वो पढ़ेंगे नहीं, वो काम करना शुरू कर देंगे और वो एक्सप्लाइट हो जाएंगे, शोषित हो जाएंगे वो। क्लियर, चलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स ही कर देंगे या तो कॉन्ट्रैक्टर्स कर देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी सही हो जाएगा, ये ओआर हटा देंगे। क्लियर, फार्मर्स आल्सो सस्पेक्ट दैट, अब इन लोग को एक शक और है कि मेनी टाइम्स कंपनीज प्रॉमिस टू बाई फार्मर्स गुड एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर सोइंग क्रॉप्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब यही बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनीज होती है जिन जो करवाते एक तरीके से खेती समझ लीजिए, वो क्या करते हैं कि टू बाई फार्मर्स गुड एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर सोइंग क्रॉप्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि अभी तो हमने बोल दिया कि भैया चलो इतना पैसा दूंगा, इतना आप उपजा के हमें दो, बट आफ्टर द हार्वेस्ट इज रेडी, लेकिन जब हार्वेस्ट रेडी हो जाता है, जब वो फसल तैयार हो जाता है, द कंपनी रिजेक्ट द फार्मर्स प्रोडक्ट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी स्पॉइल्ड। अब ये भी एक है कि ये भी एक मतलब कि आप हिडन बोल सकते हो, क्योंकि हिडन चीजें हैं जो कि कोई कुछ तो कर नहीं सकता है, तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है कि चलो भैया तूने उपजा, मेरा मर्जी नहीं लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो तुम एसडीएम के पास जाओगे और तो कहीं जा नहीं सकते हो। There is also an allegation on the Essential Commodities Amendment Bill. अब एक और कह रहा है कि एक आरोप और है, allegation का मतलब dear आरोप, that it may give impetus to black marketing. अब ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि ये black marketing को भी प्रेरणा देगा, मतलब बल देगा, as there is no stock limit, कोई stock limit नहीं होगा, and now hoarding will increase, और जो जमाखोरी होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि किसान से तो लोग खरीद लेंगे, अमीर लोग अपने पास जमा कर लेंगे। Opponents also say, अब जो विरोधी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट इज गिविंग परमिशन टू स्टॉक, इसका कहने का मतलब है कि जिस तरीके का बिल आया है ये आप स्टॉक को बढ़ावा दे रहे, उनको परमिशन दे रहे हैं, बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट हैव अ स्टोरेज सिस्टम। अब देखिए अगर इसको हम दूसरे तरीके से ले ले, जैसे आगे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया आप स्टॉक करो, लेकिन ज्यादातर अधिकांश फार्मर के पास स्टोरेज सिस्टम तो है ही नहीं, ना उनके पास कोल्ड स्टोरेज है। इन सच अ सिचुएशन आफ्टर प्रोडक्शन, अब कह रहा कि इस स्थिति में क्या होगा कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा, दे विल हैव टू सेल देयर क्रॉप्स टू द ट्रेडर्स एट अ पैल्ट्री प्राइस। अब कह रहा है कि भैया हमने बहुत सारी चीजें उपजा ली, अब मेरे पास रखने के लिए है नहीं, तो अब मजबूरी में बिल्कुल पैल्ट्री प्राइस, पैल्ट्री का मतलब नगण्य प्राइस पे हमको बेचना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी,
कि अपने पास तो खराब हो जाएगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज हैव मोर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, उन लोग के पास रिसोर्सेज ज्यादा है और उनकी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, सो हमें बेचना पड़ जाएगा। दे विल स्टॉक देम, अब क्या कहा जा रहा है, दे का मतलब जो बिजनेसमैन है वो इनको स्टॉक करेंगे एंड रन द मार्केट ऑन देयर ओन, और मार्केट को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। इन सच अ सिचुएशन द कमांड ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द क्रॉप विल कम इन द हैंड्स ऑफ बिग ट्रेडर्स, अब कहा जा रहा है कि फिक्सिंग द प्राइस जो है अब वो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों में चला जाएगा, कंपनीज एंड प्राइवेट जो कंपनीज है उनके हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला जाएगा, एंड द रोल ऑफ द फार्मर्स विल बी लेफ्ट इक्वल, और उनको कुछ रोल ही नहीं रहेगा, बेच दो भैया अब उनके बाद वो लोग देख लेंगे कैसे करना है। चलिए अब हम करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन किया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विल इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स दे कैन सेटल द मैटर बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जैसा शुरू में कहा गया कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उनको आप SDM के पास जाकर के फॉर्म फिलअप कीजिए और वहां पे आप लोग डिस्प्यूट को खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। इट इज बीइंग क्वेश्चन दैट दिस बिल डज नॉट अलाउ फार्मर्स टू गो टू सिविल कोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन ये उठ रहा है, प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो बिल है ये फार्मर्स को अलाउ नहीं करेगा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, उस केस में आप सिविल कोर्ट जाएं। इट इज ऑल्सो फियर दैट द प्रपोज सिस्टम ऑफ रिकंसिलेशन में बी मिसयूज्ड, अब कह रहा है कि एक ऑर्डर है कि दैट द प्रपोज सिस्टम ऑफ रिकंसिलेशन जो सुलह की जो सिस्टम है मे बी मिसयूज्ड अगेंस्ट द फार्मर्स, उनके खिलाफ जो होगा फार्मर्स के खिलाफ उनका मिसयूज किया जाएगा। बट द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इज क्वाइट डिफरेंट ऑन द थ्री बिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लेकिन जो सरकार का ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तीनों बिल पे अलग है। क्या है जरा कंक्लूजन देख लें कि हम कंक्लूड कैसे करेंगे। टू एंड द प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर्स, अब हम सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से फार्मर्स के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, रिस्टोर दियर कॉन्फिडेंस, और उनके कॉन्फिडेंस को वापस रिस्टोर किया जाए, जो भी उनका कॉन्फिडेंस उनको रिस्टोर किया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रीच आउट टू दोज अपोजिंग बिल, अब उनके पास पहुंचना चाहिए सरकार को जो कि बिल को अपोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द फार्मर्स एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर रिफॉर्म्स, और फार्मर्स के पास पहुंचना चाहिए और उनको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कैसे हम करेंगे, कैसे हमने बिल लाया, क्या बिल में लिखा है, उसको अच्छे से आप समझाइए। There is a need to bring more clarity in ambiguous provision. Ambiguous का मतलब जो छुपा हुआ है, जो hidden है। इस provision में जो भी ambiguous चीजें हैं, उनको clarity देना है, उनको clear करना है। Apart from the promotion of the private sector, जो आप कह रहे हैं कि private sector को हम promote करेंगे, in the agriculture sector, necessary reforms should be also made for the expansion of APMC. और last आप include ऐसे कर सकते हैं कि necessary reforms should also be made. जो आपका एपीएमसी है इस पे भी नेसेसरी रिफॉर्म्स जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, काफी आसान भाषा है, काफी इजी वर्ड हमने यूज किए, इजी लैंग्वेज को हमने यूज किया, जिससे आप मतलब पूरा जीके आपको अगर नॉलेज है तो आप अच्छा से ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ खास ज्यादा नहीं था, जो भी हमने यूज किया वो अभी जो भी मार्केट में चल रहा है वही यूज किया है। ठीक है, आई होप डियर आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा डियर। तो चलिए जो भी हो आप लोग, आई डोंट थिंक अभी कमेंट का सेक्शन आया होगा हमारे ऐप पे, बट आगे से जल्दी आएगा। चलिए देर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।